सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में आ से ऊ तक के स्वरों को लिखना और चित्रों द्वारा उनकी पहचान करना सीखा था, उसी प्रकार अब हम आगे के स्वरों को बनाना और चित्रों द्वारा उनकी पहचान करना सीखेंगे। आज का स्वर है ए। ए से एढ़ी, ए, ए से एढ़ी, ए, ए से एढ़ी। कैसे बनाएंगे एढ़ी को? पहले हम एक आधी रेखा खींचेंगे, इस तरह एक तिरछी रेखा खींचेंगे, इस तरह एक और आधी रेखा खींचेंगे, इस तरह, और उसको इस रेखा से इस तरह से मिलाते हुए एक और रेखा खींचेंगे, इसके ऊपर एक और सीधी रेखा खींचेंगे, बन गया ए। ए से एढ़ी, ए से एढ़ी। अब अगला स्वर आई। आई से ऐनक, आई से ऐनक। आई ऐनक हमें कैसे बनानी है? सर्वप्रथम हम ए एड़ी बनाएंगे, एक छोटी रेखा खींचेंगे, एक तिरछी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचेंगे, इसके ऊपर एक सीधी रेखा खींचेंगे और एक मात्रा लगाएंगे इस प्रकार। ये हो गई आई से ऐनक, आई से ऐनक। अब ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली। हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अ बनाएंगे। अ बनाने के लिए हम आधा गोला बनाएंगे, एक और आधा गोला बनाएंगे, उसको आगे की तरफ लेते हुए बिंदु से मिला देंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक खड़ी रेखा खींचेंगे, एक और रेखा खींचेंगे, उसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, इसको कहते हैं ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। आओ। आओ से औरत, आओ से औरत। आओ औरत के लिए फिर से हम एक अ बनाएंगे, आधा गोला बनाया, एक और आधा गोला बनाया, इसको आगे लेते हुए बिंदु से मिलाएंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, एक और सीधी रेखा खींचेंगे, एक और सीधी रेखा खींचेंगे, और अब हम दो मात्राएं लगाएंगे इस प्रकार। दो मात्राएं इस प्रकार लगाकर ये बन गया आओ। आओ से औरत, आओ से औरत। अगला स्वर है अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग अंगूर के लिए हमें क्या करना होगा? फिर से हम अ बनाएंगे, आधा गोला बनाएंगे, एक और आधा गोला बनाएंगे, इसको आगे को लेते हुए बिंदु से मिलाएंगे, इसके पीछे एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक खड़ी रेखा खींचेंगे, बन गया अ, और इसके ऊपर एक बिंदी लगाएंगे इस प्रकार। इसको बोलते हैं अंग की बिंदी। किसकी बिंदी? अंग की बिंदी। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अब अगला स्वर अह। अह खाली, अह खाली। पता है बच्चों अह खाली क्यों होता है? क्योंकि अह, अह स्वरों का आखिरी स्वर होता है और इससे कोई शब्द नहीं बनता। इसको शब्दों में शुरू में या अंत में प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए आधा गोला बनाएंगे, एक और आधा गोला बनाएंगे, इसको आगे बिंदु से मिलाते हुए अ बनाकर इसके पीछे दो बिंदु लगाएंगे इस प्रकार, और इस पर खींचेंगे लाइन, बन गया अह।
बच्चों हमने इस वीडियो में आ से आ तक अह तक के स्वरों को बनाना और उनकी चित्रों द्वारा पहचान करना सीखा। धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स।